For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं कार्तिक और नायरा दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए और उसके बाद उन दोनों का लड़ाई झगड़ा जारी रहा। फिर वेदिका वादी कंट्रोवर्सी हुई लेकिन उसके बाद एक बार फिर से गोयनका हाउस में कार्तिक और नायरा एक साथ दिख रहे हैं अपने बेटे कायरव के लिए। लेकिन यहाँ एक और रिश्ता है जो इस समय काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन से जूझ रहा है और वो है गायू और समर्थ का रिश्ता। इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है ये हमें आफ्टर नीप समझ में आ गया था, लेकिन ये दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि समर्थ हर एक गलती का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गायू को बता रहा है। ये तो हाल फिलहाल के दिनों में देखने को मिल रहा है। चाहे वो कायरव की बात हो चाहे वो कार्तिक नायरा की बात हो, पूरे घर में जो भी गलत हो रहा है उसके लिए गायू ही दोषी है। इस बात को समर्थ बार बार साबित करने की कोशिश करता है। हालांकि व्यूअर्स की नज़र से देखें तो इस समय सबसे ज़्यादा सेंसिबल अगर कोई नज़र आ रहा है पूरे गोयनका परिवार में तो वो गायू ही है। जब नायरा को घर में लाने की बात हो रही थी तब स्वर्णा और दादी से गायू ने जो भी कुछ कहा उससे समझ में आता है कि एक वही है जो दिमाग वाली बातें कर रही है। लेकिन न जाने स्वर्णा को भी क्या हो गया है, दादी के साथ रहते रहते कोई भी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि गायू और समर्थ के रिश्ते की सच्चाई जो कि परत दर परत हमारे सामने आ रही थी अब वो खुल के सबके सामने आएगी। पता चलेगा आप सबको कार्तिक नायरा के रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाने के बाद कि आखिर क्यों गायू से नफरत करने लगा है समर्थ। समर्थ ने अपनी इच्छा से थामा था गायू का हाथ मगर उसके बावजूद दोनों के बीच इतनी दूरियां कैसे आ गईं उसका राज अब खुलने को है। तो हो जाइए तैयार और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि क्या आप हैं गायू की साइड या फिर आपको लग रहा है समर्थ बिल्कुल ठीक। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.